गोपाल जी, ऐसा है कि अभी संजय राउत जी का मुंबई में एक स्टेटमेंट आया है, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये डील था कि दिल्ली बीजेपी उनको देनी है और गुजरात बीजेपी को देनी है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को देनी। तो उनको पता था तो चुनाव के रिजल्ट से पहले कल बता देते, ये आज क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये क्या बात हो गई, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे? उनको अगर पता था कि कोई इस टाइप का डील हुआ है तो कल क्यों नहीं बताए? ये डील आज तो नहीं हुआ होगा, अगर उनके कहने की, अगर उनकी बात सच है तो डील आज तो नहीं हुआ 8 तारीख को, 7 तारीख को बता देते। कल तो उनको भी मन में लड्डू फूट रहे थे कि कल आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तो बीजेपी से बदला लेंगे। आज अगर हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वहाँ नहीं पहुँचे तो कुछ भी बोल दे रहे, ये ठीक नहीं है ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? वो तो उनको पूछिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको पता था तो 7 तारीख को बता देते, 6 तारीख को बता देते। अब चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कुछ भी अनाप शनाप बोल के जनता को मिसगाइड करने का क्या फायदा? क्या आप इतने सीनियर नेता है, इतनी अच्छी पार्टी के नेता है, आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो इतने अच्छे, मैं भी रिगार्ड करता हूँ उद्धव साहब को, फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इस टाइप की मतलब उल्टा सीधा क्यों बोलना है? 7 तारीख को बोल देते यही चीज़ आप, अगर आपको कॉन्फिडेंट था बोल देते आप 7 तारीख। ये कह के वो करना क्या चाहते हैं, किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? वो उनसे पूछिए कि वो किसके कहने पे इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अगर उनको पता था तो 7 तारीख को क्यों नहीं बोले, 7 को बोल देते, 8 को क्यों बोल रहे हैं? जब रिजल्ट आ गया, सब क्लियर हो गया, फिर बता रहे हो आप? मतलब आप झूठ बोल रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बड़े इतने अच्छे सीनियर है, इतने आप मतलब क्वालिफाइड आदमी है, मैं सुनता हूँ उनको लोकसभा में जब वो बोलते हैं, ट्विटर पे देखता हूँ, इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी एक डेवलपमेंट हुई आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, वहाँ बैठक हुई जिसमें शरद पवार साहब ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के ओपोनेंट हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा आना चाहिए। वो तो देखो, मैं उस लेवल का आदमी नहीं, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पे या सारे ओपोजिशन पार्टी को एक होने की कोई बात है वो तो हमारे जो सुप्रीम लीडर है, नेशनल लीडर है, वो तय कर पाएंगे। मैं तो सिर्फ प्रदेश का नेता हूँ, प्रदेश की राजनीति पे कोई बात होगी तो मैं जरूर बोलूंगा, राष्ट्रीय मेरा स्तर नहीं है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।